वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाउचर के बारे में। कंपोजिशन एपीआई के अंदर आप वाउचर को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वाउचर जैसे कि ये वाला वेरिएबल ले लेते हैं हम टॉपिक, कि जब भी ये चेंज हो तो हमें मतलब हमारा जो वाउचर है देखता रहे कि हाँ भाई ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। मतलब वाउचर का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी भी वैल्यू के हम लगा देते हैं तो उसको वॉच करता रहता है, उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो तुरंत आके बता देता है कि भाई इसमें चेंजेस हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी डेटा डिस्प्ले करवाना है, चेंज करना है, ईपी हिट करनी है, तो आप वो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वॉचर। तो इसमें देखो, नॉर्मली तो आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन कंपोजिशन ईपी के साथ कैसे यूज़ करते हैं, उसमें आपको ये वॉच यूज़ करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पर लिखो आप, पहला पैरामीटर होगा आपका कि किस वैल्यू को वॉच करना है, मेरे को वॉच करना है टॉपिक को, और दूसरा आपका फंक्शन है कि इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी फंक्शन में, कि आपकी पुरानी वैल्यू और आपकी नई वैल्यू, कि आपकी, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पुरानी वैल्यू क्या है आपकी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यू वेल, ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस इतना याद रखना कि जो पहला वाला वेरिएबल होता है उसमें आपकी न्यू वैल्यू आती है, जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है उसमें आपकी आती है पुरानी वाली वैल्यू। इसमें न्यू वेल और साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लगा देता हूँ, फिर ओल्ड वेल। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू चेक कैसे होगी, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाए, जो हमारी हेडिंग है, चेंज हेडिंग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, चेंज टॉपिक। यहाँ पे ये बटन, अरे बटन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे जैसे ही हमारा क्लिक इवेंट कॉल होगा तो हम टॉपिक की वैल्यू को उठा के चेंज कर देंगे। टॉपिक की वैल्यू क्या है अभी हमारी, टॉपिक कहाँ गया, कंपोजिशन एपीआई, इसको कर देंगे हम टेस्ट एपीआई। ठीक है, क्लियर है। अब चेक करते हैं इसको, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ये देखो टेस्ट एपीआई भी आ गई और यहाँ पर वैल्यू आ गई, टेस्ट एपीआई आपकी न्यू वैल्यू, कंपोजिशन एपीआई आपकी पुरानी वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉचर का काम। अब आप मल्टीपल वॉचर लगाना चाहते हो कि भाई जब भी टॉपिक चेंज हो और आपका हेडिंग चेंज हो तो आपका वॉचर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेंज हेडिंग, मतलब मल्टीपल वॉचर लगाने हैं आप वो भी लगा सकते हो। अब अभी हेडिंग है हमारी होम पेज, इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉग पेज, ब्लॉग पेज। अभी देखो वॉचर हमारा एक पर ही लगा हुआ है तो अभी ये एक पर ही काम करेगा। जैसे मैं चेंज टॉपिक पे करूँगा तो देखो ये तो बता दिया इसने, लेकिन चेंज हेडिंग पे करूँगा इसने तो भी बता दिया। अरे नहीं, यहाँ पे हेडिंग करनी थी ना मेरे को, कि वही चेंज कर रहा था ना मैं। ये देखो चेंज टॉपिक पे करूँगा तो ये बता देगा ये कि भाई चेंज हो गया है, चेंज हेडिंग पे करूँगा तो नहीं बताया गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज ए एरे लेना पड़ेगा कि भाई अभी हमारे पास जो है वो मल्टीपल वैल्यू है, तो आप जाके मल्टीपल वैल्यू का यहाँ पे लगा सकते हो एरे, कि ये तो एक टॉपिक आना चाहिए इसमें और दूसरा होना चाहिए आपकी हेडिंग, इन दोनों को वॉच करें। अब देखना पहले वाले में एरे आएगा, इसमें एरे आएंगे और इसमें भी एरे आएगा, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं चेंज टॉपिक पे क्लिक करूँगा तो देखो दो वॉचर लगा रखे हैं ना, पहले वाले में आएगा न्यू वैल्यू की पहली वैल्यू क्या है हमारी, न्यू टेस्ट एपीआई, और पुरानी वैल्यू क्या है पहले पे, कंपोजिशन, मतलब पहले वो कंपोजिशन थी बाद में होगी टेस्ट एपीआई। जो दूसरी वैल्यू है उस पर आएंगे, जो सेकंड वाला होगा आपका सेकंड एरे, मतलब हेडिंग का, कि पहले हमारा होम पेज था और अब भी होम पेज ही है आपका। अब मैं चेंज हेडिंग करता हूँ तो देखो सेकेंड वाले में न्यू वैल्यू हो चुकी है आपकी ब्लॉग पेज और पुरानी वैल्यू हो चुकी है होम पेज। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें कि आपके पास जब इस तरीके का डेटा हो, ये तो हो गया रेफ के केस में, लेकिन जब रिएक्टिव होगा ना उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं, सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे बस, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आएगा। वो क्या आएगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये करा कॉपी, इसको कमेंट कर दिया, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब देखो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म डेटा इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं कुछ भी वैल्यू चेंज हो तो हमें पता चल जाए, तो यहाँ पर हम जाते हैं
ये करा हमने काम। अब इसको चेक करते हैं, इसको वाउचर में लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू चेंज होगी तो देखो ये बता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, याद का मतलब ध्यान से देना। यहाँ से इसमें मैं लिखता हूँ टी, तो ये बता रहा है न्यू वैल्यू हमारी टी है, ठीक है। पुरानी वैल्यू भी साथ में क्या बता रहा है, टी है, जबकि पुरानी वैल्यू तो भाई कुछ थी नहीं। ये देखो दोनों सेम आ रही, तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। तो इसकी इसके लिए हमें बस यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसको हम रिटर्न करवा देते हैं कि भाई एक काम करो, यहाँ पर डॉट 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 जो हमारा वेरिएबल है फॉर्म डेटा का, उसको मैं रिटर्न कर दूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं लिखूँगा टी, तो न्यू वैल्यू हमारी टी है, पुरानी वैल्यू कुछ भी नहीं है। टी वाई लिखूँगा तो न्यू वैल्यू टी वाई है, पुरानी वैल्यू टी, ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो हो गया, सारे वेरिएबल चेक कर रहे हैं। अब हमें सिंगल वेरिएबल को चेक करना है, उसकी इसमें हम क्या करेंगे, उसको मैं ऊपर कमेंट कर देता हूँ मैं। अब सिंगल वैल्यू चेक करनी है ना, तो हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर। भाई किसे चेक करना है आपको, फर्स्ट नेम को चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम ले लो आप, यहाँ मैं लिखूँगा कि टेस्ट। तो देखो ये आ गया ना, पहले टी था, ये सब आ गया। तो सिंगल वैल्यू को आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कि जो ये वाला वाउचर मैंने लगाया था, इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि देखो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तभी ये हमारा बताता है। हम चाहते हैं इमीडिएट शुरू में भी बता दें हमें कि भाई ये हम इस पर चेक कर रहे हैं, हमने इसको वॉच कर लिया है। होता नहीं कि कई बार वेरिएबल ये होता ही नहीं है, जब बटन पर क्लिक हो जाए तभी तुरंत हमें बता दें। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इमीडिएट, कि स्टार्टिंग में आपको बता के चलेगा कि हम भाई उस पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन ना लो, हमारी स्टार्टिंग से नज़र है उस पर। तो ये स्टार्टिंग से बता देगा, जैसे पेज रिफ्रेश होगा इमीडिएट बता देगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं इमीडिएट को। वापस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इमीडिएट वाला हो गया, फॉर्म डेटा वाला भी हो गया, सारे वेरिएबल को सिंगल वाला भी हो गया। और अब बचा इसमें, हाँ अब एक और चीज़ बची, कि अगर मान लो आपके वेरिएबल ये है, रिएक्टिव के अंदर एक वेरिएबल है एड्रेस, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें सिटी भी आती है आपकी, पिन कोड भी आता है आपका, ठीक है। तो अब आपको इस पर इसको वॉच करना है कि मेरी भाई सिटी क्या है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने ले दिया, यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस सिटी कर दिया। तो अब मैं यूज़ करूँगा एड्रेस के अंदर डॉट सिटी। अब इसको वॉच करने की कोशिश करते हैं कि ये होता है या नहीं होता, नहीं होता तो उसको करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। इसको अनकमेंट कर दिया, इसको थोड़ा ना सही कर देता हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है एड्रेस को, कि एड्रेस जब भी चेंज हो हमें पता चल जाए। यहाँ जाते हैं, एड्रेस पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो देखो ये बता नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि एड्रेस के अंदर और ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं। तो इसके लिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है वॉच की, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसमें आपको एक और पैरामीटर लेना है, यहाँ पर सिंपल डीप लिख देना है कि भाई अंदर भी जाके चेक करके आओ, डीप ट्रू। दो बताए थे ना, इमीडिएट स्टार्टिंग में और डीप मतलब अंदर से। तो ये देखो ये चेंजेस बताएगा, लेकिन अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो ये देखो, एड्रेस में मैंने लिखा कुछ भी, एन लिखा मैंने, तो एन तो बता दिए पुरानी वाली वैल्यू, नई वाली वैल्यू सेम बताई है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम आके फंस गई यहाँ पे। उसमें तो हमने क्या कर लिया था, इस तरीके से रिटर्न करवा दिया था, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पे देखो, मैंने अभी इंस्टॉल करा है एन पी एम आई लोडेस, लोडेस को आप यूज़ कर सकते हो, और उसको इंपोर्ट करो आप यहाँ पे लोडेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा कि यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट डीप क्लोन डीप, बस ये करूँगा। अब देखना आपकी वैल्यू जो है सही हो जा, वो बताने लग जाएगा कि देखो इसमें मैंने टी लिखा तो जो है आपकी न्यू वैल्यू टी है, पुरानी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने ई लिखा, पुरानी वैल्यू टी ई होगी और सिटी वाली वैल्यू टी है,
और पूरा टेस्ट लिख देता हूँ, तो देखो एक स्टेप पीछे बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉचर यूज़ कर सकते हो कंपोजिशन एपीआई के अंदर। कोई कन्फ्यूजन है तो यार आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।